إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن یقینا یہ قرآن یہدی رہنمائی کرتا ہے ہدایت دیتا ہے للتی اس بات کی طرف ہی احسن جو سب سے بہتر ہے ہی اقوم جو سب سے مضبوط ہے سب سے مضبوط سب سے درست اور سب سے اچھی بات کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن المؤمنین ان مؤمنوں کو جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کس بات کی خوشخبری اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے مؤمنوں کے لیے ایمان کے بعد جو نیک عمل کیے ایسوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اس بات کی خوشخبری قرآن دیتا ہے قرآن ایک بہترین ہدایت نامہ ہے بلکہ مکمل ہدایت نامہ ہے قرآن نسخہ کیمیا ہے قرآن نسخہ شفا بھی ہے قرآن منبع ہدایت بھی ہے قرآن ہر اعتبار سے بہترین سرچشمہ ہے حضرات یہ قرآن اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے جو بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور جو بھی آپ دیکھتے ہیں تصور کرتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے قیامت کے قریب یہ قیامت کے روز
इन सब को फना होना है, कुल्लु मन अलैहा फान, सब को फना होना है, लेकिन इन वजूद में से अगर कोई चीज अल्लाह की मखलूक नहीं है बल्कि वो अल्लाह का कलाम है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की मखलूक नहीं है, बल्कि अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम गोया कि अल्लाह के औसाफ में से, अल्लाह के सिफात में से एक सिफत है, अल्लाह ताला के क्वालिटीज में से एक क्वालिटी है, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में से एक बेहतरीन सिफत है, क्वालिटी है। लिहाजा कयामत के करीब ये किताब, ये कुरान फना नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला इसको उठा लेगा, अल्लाह इसको उठा लेगा। सारी चीजों को खत्म करने से पहले अल्लाह ताला कयामत से पहले इसको उठा लेगा। अल्लाह अकबर। और ये बात याद रखना चाहिए कि कुरान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हुआ मोजेजा, दिए हुए मोजेजात में से सबसे अजीम मोजेजा है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजेजात दिए हैं। बाज़ अहले इल्म ने 2000-3000 तक गिनाया है, बाज ने 1000 तक, 700 तक गिनाया है। गर्ज अल्लाह ताला ने अपने रसूल को बहुत सारे मोजेजात अता किए हैं। इन मोजेजात में सबसे अजीम, सबसे बड़ा मोजेजा कुरान है, सबसे बड़ा मोजेजा कुरान है। अल्लाह ताला ने इस कुरान को मोजेजे के तौर पर पेश किया है, और सारी दुनिया के लोगों से यह चैलेंज किया है। कुरान ने सबसे पहले यह कहा कि देखो, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जिसको हरूफ मुकत्तात कहा जाता है, कि अलिफ लाम मीम, ऐ अरब के लोगों, तुम्हें अपनी जबानदानी पर बड़ा नाज है, तुम्हें अपनी जबानदानी पर बड़ा फख्र है कि तुम बेहतरीन शायरी करते हो, बेहतरीन अदीब और बलीग तुम लोग हो, बेहतरीन फुसा और बुलागा तुम लोग हो, और गैर अरब को तुम लोग अजमी कहते हो। अरब के लोग अपनी जबान पे बड़ा फख्र किया करते थे, लिहाजा तुम बताओ, तुम बेहतरीन शायरी करते हो, बेहतरीन अदीब हो, अदब के तुम शाहकार लिखा करते हो, बलागत के झरोके तुमसे झरते हैं, और बेहतरीन जबान तुम्हारी है, क्या कहना तुम्हारी जबान की। अब बताओ, अल्लाह ने कुरान में कहा अलिफ लाम मीम, इसका माना बताओ। वही अलिफ, वही लाम, वही मीम जो तुम अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हो, अपनी जबान में इस्तेमाल करते हो, अपने अदब के शाहपारों में इस्तेमाल किया करते हो, बताओ तौहा का माना क्या है। वही तो, वही हा जो तुम आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, बताओ यासिन के माने क्या है। वही या, वही सीन जो तुम अपनी जबानों में इस्तेमाल करते हो, बताओ काफ हा या आइन स्वाद के माने क्या है। वही काफ, वही हा, वही या आइन स्वाद जो तुम अपनी जबानों में इस्तेमाल करते हो। आज तक सारी दुनिया दंग है, हैरान है, शजदर है, उंगुश्त बदंदा है, और परेशान है, और लाजवाब है, और कयामत की सुबह तक सारी दुनिया लाजवाब रहेगी कि कुरान के इन अल्फाज के या इन हरूफ के माने बता दे। और याद रखिए मेरे भाइयों, फिर आगे अल्लाह ने यह भी फरमाया कि देखो, वाइन कुन तुम फी रैबिम, अगर तुम्हें शक और शुबा है, मिम्मा नज़लना अला अब्दिना, हमने अपने बंदे पर, रसूल पर जो नाजिल किया है, अगर तुम्हें इस कुरान के बारे में शक है, शुबा है, इस जैसी एक सूरत लेकर आओ, फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस जैसा एक सूरा लेकर आओ, कर नहीं सकते हो, एक सूरा ना सही, चलो तुम जाकर सब मिलकर चंद आयतें लेकर आओ, वो भी नहीं कर सकते हो, तो कम से कम एक आयती लेकर आओ। और इसके लिए कहा के देखो, तुम अल्लाह को छोड़कर सारे शुहदा को बुला लो, वदुउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, तमाम गवाहों को बुला लो, तमाम सपोर्टर्स को बुला लो। और फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल इसरा में, सूरा बनी इसराइल में ही एक जगह फरमाया, कुल लाइन इस्तमातिल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिस्ल हादल कुरान ला यातू बिमिस्लिही वलौ कान बादुकुम लिबादिन ज़हीरा। कहा के देखो, आई इंसानों, आई जिन्नात, सारे इंसान, सारे जिन्नात,
सब मिल जाएं, इस जैसे कुरान जैसे कलाम लाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करें और एक दूसरे के मददगार बन जाएं, सपोर्टर बन जाएं, सारे इंसान मिलकर, सारे जिन्नात मिलकर इस जैसा कलाम लेकर नहीं आ सकते हो। और फिर अल्लाह ने फरमाया फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, तुम न कर सकते हो, हरगिज नहीं कर सकते हो। तो याद रखो फत्तकुन्नार, जब तुम इस जैसे कलाम नहीं ला सकते हो, लाने से कासिर हो, उस आग से डरो जिसके एन देन इंसान और पत्थर बनेंगे। अल्लती वकूदुहा नास वल हिजारा वउद्दत लिल काफिरीन, कुरान के एक आयत का इनकार करने वाला काफिर है, उसके लिए दहकती हुई आग है। अल्लाह ने कहा इस जैसे कलाम नहीं ला सकते हो, इनकार मत करो, अगर इनकार करोगे और इससे निकालने की बात करोगे, काफिर है वह इंसान। कुरान के एक हर्फ हर्फ का इनकार करने वाला, कुरान की एक आयत को इनका इनकार करने वाला काफिर है, काफिर है। और कहा के देखो ऐसे काफिरों के लिए दहकती हुई आग तैयार है, आग तैयार है। हजरत आपने, हमने गुज़िश्ता दिनों ये सुना है, गुज़िश्ता दिनों हमने ये सुना है, और मुझे वो शेर याद आ रहा है, शायर ने क्या खूब कहा है, दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, दिल के पपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आप तारीख का मुताला किया करें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक इस्लाम को नाम निहाद मुसलमानों से, या लुबादा ओढ़े हुए मुसलमानों से, या बिके हुए मुसलमानों से जितना नुकसान हुआ है, शायद गैरों से उतना नुकसान ना हुआ हो। इस मुल्क के एक मलऊन ने, एक राफिजी ने, एक मलऊन ने, एक यहूद के परवरदा ने, और एक शरीर और फितिनों के परवरदा ने अपने गलत कार्यों को छुपाने के लिए, और वो फिरका परस्तों को, फसादियों को, फितिनों को खुश करने के लिए, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, अब जानते हैं कि उसने घपला किया, गबन किया, और कई केसेस उसके ऊपर हैं कि उसने वक्फ बोर्ड में कितने घपला किया, गबन किया है, और कितने हेर फेर किया है, इतने सारे केसेस हैं। कभी भी उस पर बिजली गिर सकती है, कानूनी चारा जोई हो सकती है। बचने के लिए जो मुस्लिम मुखालिफिन है उनको खुश करने के लिए उसने ये बयान दिया है कि कुरान से 26 आयतों को निकाल देना चाहिए, जो नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला दहशतगर्दी की तालीम देते हैं। हजरात याद रखिए, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्ला ने फरमाया, उनकी बेहतरीन शाकर किताब है, कि जिस किताब में उन्होंने अकल और नकल के दरमियान जो तआरुज होता है, तआरुज जो होता है, दफ़ुत तआरुज के नाम से उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है, बैन अल अक्ल व नकल, बैन अल नकल व अल अक्ल। नकल का मतलब होता है हम तक जो नकल होके आई है कुरान और हदीस, और अकल हमारी अकल, कहा कि दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता है अकल अगर सही सलामत हो तो। क्यों? शेख का बेहतरीन जुमला है, शेखुल इस्लाम ने फरमाया क्योंकि अकल को जिसने बनाया उसी ने कुरान को नाजिल किया, उसी ने हदीस का कॉन्सेप्ट दिया, उसी ने कुरान को नाजिल किया। जिसने अकल को बनाया, जिसने हदीस का कॉन्सेप्ट दिया, उसी ने अकल को बनाया है। और अल्लाह की बनाई हुई नाजिल करदा चीजों में दोनों में तआरुज हो, कॉन्फ्लिक्ट हो और क्लैशेस हो ही नहीं सकता है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी अकल की कोर चश्मी है, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है, ये तुम्हारी कोता फहमी है, तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारी कम इल्मी की अलामत है, कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है। हजरात और उसने क्या बात कही देखो, कहा कि ये जो 26 आयतें हैं अबू बकर उमर और उस्मान ने घड़ लिया है नऊज़ बिल्लाह, और उसने हजरत अली को छोड़ दिया है। आपको पता चल रहा है कि कौन से खाने का परवरदा है ये, कौन से हमाम का इंसान है, पता चल रहा ना? और याद रखो, और ये कहकर उसने हजरत अली को बख्शा नहीं, हजरत अली को ऐसा उसने अपनी दानिश में सोच लिया
अपने जामे बातिल के मुताबिक सोच लिया, हजरत अली को हमने गुनाह से बचा लिया या हजरत अली को हमने मुस्तस्ना कर दिया। देखा जाए तो हजरत अली पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया उसने। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। हजरत अबू बकर पहले खलीफा, हजरत उमर दूसरे खलीफा, हजरत उस्मान तीसरे खलीफा, इन तीनों ने अगर घड़ लिया था, इन तीनों ने अगर घड़ लिया था, हजरत अली उनके बाद, हजरत अली उनके बाद तकरीबन 10 साल के आसपास में हुक्मरान रहे हैं। 10 साल के, माफ कीजिएगा, 7 साल, 6 साल चंद महीना, 7 साल के आसपास में हुक्मरान रहे हैं। तो आप बताओ, सबसे बड़ा इल्जाम तुमने हजरत अली पे लगाया है, इन्होंने जो घड़ा था हजरत अली ने बरकरार रखा, वो तो खलीफा थे, उनको निकाल देना चाहिए था, तुमने सबसे बड़ा इल्जाम लगाया। और तुम्हारी बातों से गोया कि हजरत अली की भी तनकीज हुई, उन पर भी बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया, तुमने इनको भी नहीं बख्शा। याद रखो मेरे भाइयों, अहले सुन्नत से बढ़ के कोई इंसाफ पसंद हो ही नहीं सकता है। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया को पढ़ो, अहले सुन्नत के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि देखो अहले सुन्नत हम ये लोग सबसे ज्यादा अरहमु الناس بالخلق واحق الناس بالحق يعلم الناس بالحق, हक को सबसे ज्यादा जानने वाले अहले सुन्नत और जमात के हैं, और लोगों पर सबसे ज्यादा रहम करने वाले भी यही लोग हैं। अल्लाह अकबर। एक एक जुमला शेख मोहतरम के रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, एक एक जुमला एक एक मनहज और समंदर की तरह है मेरे भाइयों। हजरात, उसने ये जो बात कही है अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जवाब दे दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। यहूदियों ने बहुत पहले इसका मुतालबा किया, यहूदियों ने बहुत पहले, आज से मेरे ख्याल से 600-700 साल पहले ही उन्होंने इसका मुतालबा कर दिया था कि कुरान से सूरह बकरा को निकाल देना चाहिए। क्यों जानते हैं? यहूद का कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया है सूरह बकरा ने, यहूद का कच्चा चिट्टा खोल के रखा है। यहूदी लोग क्या कहते हैं? हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अल्लाह के चहीते हैं, और हम अल्लाह के पास सबसे पसंदीदा हैं, अल्लाह के बेटे हैं। नहनु अबनाउल्लाहि वाहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के चहीते हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा, अरे भाई तुम तो जिसको चाहते हो उससे उसकी जुदाई बर्दाश्त करोगे नहीं ना, हमेशा उससे मिलना चाहोगे, तुम्हारे चहीते अल्लाह है, तुम अल्लाह के चहीते हो, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद करो। और अल्लाह से मुलाकात कब होगी? मौत के बाद, मौत की तमन्ना करो। कहा कि ये हरगिज नहीं करेंगे, मौत की तमन्ना हरगिज नहीं करेंगे। और ऐसे अल्लाह ने बहुत उनको जवाब दिया, कहा कि तुम अगर अल्लाह के चहीते हो, तुम अगर हक पर हो, नबियों पर ईमान लाए थे, तो तुमने इससे पहले नबियों को कत्ल क्यों किया, कत्ल क्यों किया? अल्लाह ने ऐसे जवाब दिया गोया कि उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है ये, जिसकी वजह से कोई बात बननी पड़ती है, कहते इनमें से निकाल देना चाहिए। याद रखना मेरे भाइयों, ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, पुराना सोचा है, लोगों ने बहुत पहले से इसको छोड़ा था, और उनके परवरदों ने, उनके प्यादों ने, परवरदों ने इसको फिर दोबारा उछाला है। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, सूरह हिजर में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, हमने इस कुरान को नाजिल किया, इस जिक्र को नाजिल किया, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान की अजमत तुम क्या जानोगे, कुरान की अजमत को तुम क्या पहचानोगे, कुरान की, कुरान के जो कदर मंजिलत है तुम क्या जानोगे, तुम क्या, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, कुरान के एक हर्फ को मिटा नहीं सकते हैं। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करें, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करें। याद रखो, हवा ही जिसके, जिस फानूस यानी जिस चिराग की हिफाजत करे, कौन बुझाए उसको बताओ, कौन बुझाए? याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली, और कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस कुरान को नाजिल किया, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, सारी दुनिया मिलकर कोशिश कर ले, ना कुरान जैसा कलाम ना सकते हैं, ना कुरान का एक हर्फ मिटा सकते हैं। अल्लाह अकबर।
लोग कभी कुरान जलाते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ कुरान में मिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या लोगों ने किया है। याद रखो, कुरान के मोजजात में से एक बहुत बड़ा मोजजा यह है कि कुरान को बच्चा बच्चा याद करता है। बच्चा जो कुरान का एक लफ्ज का माना नहीं जानता है, वो बिस्मिल्लाह के बाद से लेकर नास के सीन तक पूरा का पूरा अजबर करता है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है, ये चैलेंज है। दुनिया की कोई किताब नहीं, ना मजहबी किताब, ना कोई इंसानी किताब ऐसी नहीं है जिसके शुरू से लेकर आखिर तक कोई हिफ्ज करके दिखाए, बाय हार्ट करके दिखाए, याद करके दिखा रहे, मेमोराइज करके दिखाए। हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। ये कुरान है जिसको एक बच्चा भी, छोटा सा बच्चा, शुरू से आखिर तक याद करता है। तुम मिटाओगे किसको, बताओ? कितने लोगों के सीनों में कुरान महफूज है, कितने बच्चों के सीनों में कुरान महफूज है। ऐसे ऐसे हाफिज है, एक लफ्ज हार फेर कर दो वो पकड़ लेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह का ये बहुत बड़ा मोजजा है, ये अल्लाह का करिश्मा है, और अल्लाह का ये बहुत बड़ा मिराकल है। अल्लाह का कलाम जो है ना, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और अल्लाह ने फरमाया सूरह फुस्सिलत में, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना, वो लोग जो हमारी आयतों में इल्हाद करते हैं, एराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं, उनका इनकार करते हैं आयतों में से बाज आयतों, ऐसे लगता है कि अल्लाह ने इनके ताल्लुक से कहा है आयतें। देखो, इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना फी आयातिना, यकीनन वो लोग जो हमारी आयतों में, सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 40, 41 और 42 है, जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, आयतों में कुछ शोषा निकालते हैं, रेशा दानाइया की कोशिश करते हैं। हजरत, अगर जगह नाकाफी है थोड़ा सामने आ जाए, दूसरों को मौका दिया करें, चंद मिनट की बात है, थोड़ा सा सामने आ जाए, सामने आ जाए, जज़ाकअल्लाह खैर। पीछे की जगह थोड़ा खाली करें। अल्लाह ताला ने ऐसे ही मुनाफिकीन के ताल्लुक से फरमाया कि जो लोग हमारी आयतों में से एक आयत का इनकार करते हैं, हम उनको जानते हैं, हम उनको जानते हैं कि वो लोग ला यख्फौना अलैना, हमसे मख्फी नहीं है, हमसे छुप नहीं सकते हैं, हमसे दूर नहीं हो सकते हैं, हम जानते हैं। और कल कयामत के दिन फैसला किया जाएगा कौन कितने पानी में है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये जबरदस्त किताब है, ऐसी जबरदस्त किताब। आगे अल्लाह ने फरमाया, ला यातीहिल बातिल मिन बैनी यदैही वला मिन खल्फी, ना इसके सामने से बातिल फटक सकता है, ना पीछे से बातिल पर मार सकता है, ना दाएं से बातिल आ सकता है, ना बाएं से कोई बातिल को दाखिल कर सकता है। किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि बातिल इसमें पर मारे, कोई बातिल का शुबा इसमें नहीं है। अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, तंजीलु मिन हकीमिन हमीद, अल्लाह जो हिकमतों वाला है, तारीफों वाला है, उसकी तरफ से नाजिल शुदा ये किताब है। हजरात, ये किताब इतनी जामे है, इतनी हक्कानी, इसकी हक्कानियत, इसकी जामेयत, इसकी अजमत, इसकी शान, इसकी कदर और मंजिलत, इसकी अहमियत, जितना बयान किया जाए काफी है। याद रखो मेरे भाइयों, इस किताब से जिसका अदना ताल्लुक जुड़ जाए, उसका मुकाम ऊंचा हो जाए, उसका मुकाम ऊंचा हो जाए। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ करूंगा, अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन रमजान नसीब फरमा, अल्लाह ताला सबको बेहतरीन उम्दा रमजान पाकर और सेहत व आफियत के साथ रखकर इबादतों और रियाजतों, रहमतों और बरकतों, सादतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। हजरात, रमजान शहरुल कुरान, रमजान हुआ शहरुल कुरान, रमजान की सारी फजीलतें कुरान के देन है, कुरान की वजह से हैं। ये कुरान, जिस नबी पर ये कुरान नाजिल हुआ, उस नबी का मुकाम सारे नबियों में ऊंचा हुआ। जिस शहर में ये कुरान नाजिल हुआ, उस शहर का मुकाम तमाम शहरों में ऊंचा हुआ।
जिस गार में ये कुरान नाजिल हुआ उस गार का मुकाम सब तमाम गारों में ऊंचा हुआ। जिस उम्मत के लिए कुरान नाजिल हुआ उस उम्मत का मुकाम सारी उम्मतियों में ऊंचा हुआ। ये कुरान याद रखिए जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने का मुकाम सारे महीनों में ऊंचा हुआ। ये कुरान जिस रात में नाजिल हुआ उस रात का मुकाम तमाम रातों में ऊंचा हो गया। शबे कदर में रमजान की सारी फजीलतें किस वजह से है? कुरान की वजह से। अल्लाह ने फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीही अल-कुरान, ये रमजान का महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। ये रमजान इसकी बरकतें क्यों है? इसकी रहमतें किस वजह से? इसकी सआदतें किस वजह से? इसकी मगफरतें किस वजह से? क्योंकि हमने अपने कलाम को नाजिल किया है। अल्लाह अकबर। और याद रखिए मेरे भाइयों, मैंने आपको बारहा ही मिसाल दी है। आपका कोई जुमला, आपका कोई डायलॉग, आपके अंदाज में कोई बोलता है, आपको खुशी होती है ना? आपको खुशी होती है। एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा इंसान है, मानी हुई हस्ती है, उसके खास डायलॉग है, उसके डायलॉग को उसके अंदाज में कोई बोलता है उसको खुशी होगी नहीं होगी? मेरे डायलॉग को नकल कर रहा है। कुरान अल्लाह का डायलॉग है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के कलाम को अल्लाह के अंदाज में अल्लाह ने जैसे नाजिल किया तजवीद के साथ, तरतील के साथ, तमाम कवायद की रियायत के साथ, अच्छी आवाज के साथ, तदब्बुर व तफक्कुर के साथ, अच्छी अंदाज में, हुस्ने आवाज में अगर अदा किया जाए, अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसी मोहब्बत? मैं आपको बताता हूं। छोटा बच्चा कुरान याद रखा है और महफिल में, रमजान आ रहा, महफिल में बहुत सारे बड़े बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े ओहदेदार होंगे और बहुत बड़े मालदार होंगे और दुनिया के उलूम व फुनून के माहिरीन होंगे। कोई साइंटिस्ट होगा, कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, मास्टर होगा, बैरिस्टर होगा, क्या क्या होगा। लेकिन नमाज के लिए किसको आगे बढ़ाया जाता है? जिसको कुरान सबसे ज्यादा अच्छा याद है। और इतना ही नहीं, याद रखिए शहीद अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं और उनका मुकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा मुकाम है। उहद के मैदान में जो शहीद हुए, शुहादा में सबसे ऊंचा मुकाम उनका है। कयामत की सुबह तक जितने लोग शहीद होंगे, सबसे ऊंचा मुकाम उहद के मैदान में जो सहाबा शहीद हुए थे उनका। नबी ने अपने चचा हमजा के बारे में कहा सैयदुश शुहादा, तमाम शहीदों के सरदार हैं, आप अपने इन शहीदों को बार बार याद करते और उनकी जियारत के लिए जाया करते थे। जब 70 सहाबा शहीद हुए और बहुत थके हुए थे सहाबा, जख्म खुर्दा थे, फिर दुश्मन का हमला हो सकता है, इतनी कब्र खोदने के लिए वक्त नाकाफी था, तो नबी ने फरमाया कब्र कम खोदो, एक एक कब्र में दो दो तीन तीन चार चार को रखा करो। जब बारी आई दफन करने की तो नबी से पूछा गया अल्लाह के रसूल किसको सबसे पहले कब्र में रखा जाए? अल्लाह अकबर। नबी ने क्या फरमाया, किसको मेयार बनाया? अल्लाह के कलाम को मेयार बनाया, अल्लाह के कलाम कुरान को मेयार बनाया। आपने फरमाया कद्दिमुहुम अक्थरुहुम कुराना, कद्दिमुहु अक्थरुहुम कुराना, उनमें सबसे ज्यादा जिसको कुरान याद है शहीदों में भी उसका मुकाम सबसे ऊंचा है जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। कहा कि सबसे पहले उसको रखो कब्र में किबले की तरफ जिसको कुरान सबसे ज्यादा याद है, कुरान से जिसकी निस्बत जुड़ जाए उसका कितना ऊंचा मुकाम हो जाए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, अल्लाह के कलाम को याद रख रहा है। और एक बेहतरीन हदीस सुन ले, नबी ने फरमाया, नबी ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि अहलीन, अल्लाह के कुछ अहलो आयाल हैं। क्या कहा? अहलीन, अल्लाह के कुछ अहलो आयाल हैं। अल्लाह के अहलो आयाल का कहा कौन है? कहा कि अल्लाह के अहलो आयाल कौन है? कहा कि अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह, अहले कुरान यही अल्लाह के अहल, अल्लाह के अहल हैं, अल्लाह के अहलो आयाल हैं, अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के चहीते हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं। जिनके साथ कुरान का रिश्ता जुड़ जाए वो अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदे हैं। और फिर इतना ही नहीं, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में फरिश्ते हैं। नबी ने फरमाया अलमाहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बरारा, ये जो कुरान का माहिर है वो ऐसे फरिश्तों के साथ होंगे जो सफरा है, बरारा है,
किराम हैं, जो बेहतरीन बुजुर्ग हैं, अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के चहेते हैं, लिखने वाले हैं और माहिरीन हैं, अल्लाह के करीब और पसंदीदा है। ऐसों के ऐसे फरिश्तों के साथ इंसानों में कौन होंगे जो कुरान के माहिर है। अल्लाह अकबर। और देखो कुरान, एक मिसाल देता हूं, छोटी सी मिसाल, एक हाफिज कुरान, अल्लाह ने क्या कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। मुफस्सिरीन ने भी लिखा, अल्लाह कुरान की भी हिफाजत करता, अहले कुरान की भी हिफाजत करता। जो कुरान का हाफिज है, कुरान का आलिम है, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करता है। कैसे? एक हाफिज कुरान कुछ नहीं जानता, ना माना जानता, ना मतलब जानता, अगर वो कुरान से ताल्लुक रख लिया है, सिर्फ इसकी वजह से अल्लाह उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। कितने ऐसे हाफिज हम जानते हैं, हमारे साथियों में से हैं, वो कोई अच्छे बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे पढ़ने में, लेकिन लेकिन कुरान के अच्छे हाफिज थे। आज सऊदी, आज जो है अरब ममालिक में ऐसे ऊंचे बड़े बड़े पोस्ट पे वो लोग हैं, वहां पर अरबों की इमामत करा रहे हैं, किस वजह से? सिर्फ कुरान की देन है। एक हाफिज कुरान है, अल्लाह उसको कई मस्जिद में किसी और जगह से खिदमत लेता है और अच्छा खासा अल्लाह ताला उसको दुनिया भी दे देता है। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम की हिफाजत करने वालों की अल्लाह हिफाजत करता है। हमारी एक जिम्मेदारी, आपकी एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कुरान के खिलाफ इस तरह की बातें जो उठती हैं, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम क्या करना चाहिए कुरान के साथ। आखिरी बात याद रखिए, सबसे पहले कुरान पर ईमान लाए, दूसरी बात कुरान को समझें, तीसरी बात कुरान को अच्छे अंदाज में तजवीद के साथ पढ़ें, कुरान को दूसरों तक पहुंचाया करें, कुरान के पैगाम को आम किया करें, और फिर कुरान कुरान के जरिए से शिफा हासिल किया करें, शिफा हासिल किया करें। वरना कुरान के लिए अल्लाह ताला का, अल्लाह के रसूल कल कयामत के मैदान में, हमने अगर कुरान का हक अदा नहीं किया, कयामत के मैदान में अल्लाह के रसूल कुरान को लेकर हमारे खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर कर देंगे, केस फाइल कर देंगे। क्या केस बुक करेंगे? कहेंगे या रब्बी इन कौम इत्तखदु हादल कुरान महजूरा, ऐ अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, आज तू उनको नहीं छोड़ना, आज तू उनको नहीं छोड़ना। गौर करने की बात है, उतने आसानी से ना ले, उतने स्लाइट ना ले ले। क्यों? आपके खिलाफ कौन आएंगे? अल्लाह के चहीते और अल्लाह के रसूल, और किसको लेकर? कुरान को लेकर, कयामत के मैदान में अल्लाह की अदालत में। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान के हुकूक अदा किया करें। उस जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम खार हुए हैं तारीख के कुरान होकर, तारीख यानी छोड़ने वाला। हम कुरान को छोड़ने की वजह से आज हमारी ये दुर्गत है, ये हालत है। कुरान को ले लो, फिर आगे बढ़ोगे तुम। कुरान का कदा किया करो, कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ लो और कुरान को दूसरों तक पहुंचाया करो। कुरान की अजमत और शान, कदर और मंजिलत को पहचानो और दुनिया वालों को बताओ कि कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुमने सोच लिया है। दुआ है रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको कहने सर सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीन ईमान अहलो अयाल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखना, ईमान व अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना, अल्लाह जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज देना, और आखिरत में अल्लाह ताला नबी की रफाकत और शफात नसीब फरमा के, हौज कौसर से पीना नसीब फरमा के, जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लीगीन में नबी के साथ हमारी संगत, नबी की सोहबत इनायत फरमा देना, और हमारी खताओं को गलतियों को माफ फरमाना। अल्लाह तो हमें रमजान अच्छे अंदाज में नसीब फरमाना। आमीन। वा आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।